20 feet and 33 feet, sorry, 33 feet house plan design. 20 into 33 is equal to 660 स्क्वायर फीट हाउस प्लान डिज़ाइन हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर हम डोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम डोर क्रिएट करेंगे, इधर भी डोर। तो यहाँ पर डी D1 इधर भी डी, ओके। और इधर हम ऐसे क्रिएट करेंगे बाहर के जो एरिया है इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर D1 और मेन जहाँ पर गेट आएगा यहाँ पर मेन गेट हम यूज़ करेंगे इधर से, और इधर भी बरामदा यूज़ करेंगे। इधर से हम एंट्री कनेक्ट कर सकते हैं एंट्री, और इधर से भी एंट्री, ओके एंट्री। और इधर से हम आप स्टार्ट करेंगे आप। तो उसके बाद इधर जो विंडो हम इसे क्रिएट करेंगे, इधर जो विंडो इधर क्रिएट करेंगे, ओके। नेक्स्ट इधर एक विंडो हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर हम विंडो ऐसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट इधर विंडो हम क्रिएट करेंगे, इधर विंडो, ओके इधर विंडो, ओके। नेक्स्ट रूम वाइज इधर एक विंडो, बैक साइड का जो पोजीशन यहाँ पर अभी ब्लॉक है बैक साइड में, इसलिए हमने बैक साइड में कोई भी विंडो प्रोवाइड नहीं किया है। हम विंडो कम प्रोवाइड किया है, इसमें आपको थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डिटेलिंग है तो उसको करने से पहले इसको हम यहाँ पर देखिए ऐसे हाईलाइट करेंगे, ओके। ब्लैक कलर से हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ब्लैक कलर से यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट इधर हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, देखिए ऐसे, और इधर ऐसे हाईलाइट करेंगे, इधर ऐसे हाईलाइट करेंगे। तो इंटरनल पार्टीशन वॉल और आउटर पार्टीशन वॉल यहाँ पर 5 इंच हमने प्रोवाइड किया है, इंटरनल और आउटर वॉल, ओके। यहाँ पर भी आएगा इधर इधर, नेक्स्ट इधर जो पोजीशन इधर और इधर, इधर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल 5 इंच वॉल 125 mm, ओके 125 mm वॉल इंटरनल पार्टीशन वॉल इधर भी रहेगा, तो आपको इधर भी हम वॉल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम इधर भी हम ऐसे विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो इसको करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे हम येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देंगे, तो इसका पोजीशन आपको दिखाई देगा कहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इसका डिटेलिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे, ओके। तो चलिए इसका डिटेलिंग शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टेयर प्लस लिविंग एरिया, इधर से आप जा सकते हैं घर के अंदर। यहाँ पर गेट है, यहाँ पर बरामदा रहेगा। स्टेयर इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 फीट वाइड और यहाँ पर 4 फीट वाइड लैंडिंग, ओके, और इधर 3 फीट वाइड। तो इसके अंदर से आप जा सकते हैं। टोटल इसका जो लेंथ यहाँ पर 5 फीट 3 इंच वाइड,
यहाँ पर जो है ड्राइंग काम डाइनिंग एरिया यहाँ पर, तो इसका जो डिस्टेंस यहाँ पर 11 फीट 9 इंच, इधर डिस्टेंस 10 फीट 3 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पूजा रूम या गॉड रूम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो बरामदा है यहाँ पर 4 फीट 1 इंच, इधर आपका 6 फीट, इधर हम 4 फीट यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, वन डिस्टेंस यहाँ पर 10 फीट 6 इंच, यहाँ पर डिस्टेंस 10 फीट, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन डिस्टेंस यहाँ पर 7 फीट, इधर 6 फीट 11 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर किचन डिस्टेंस 8 फीट 3 इंच, इधर 7 फीट 6 इंच, यहाँ पर बेडरूम 10 फीट 6 इंच, यहाँ पर डिस्टेंस 10 फीट। ओके, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर बिल्डिंग प्लान का डिटेलिंग जो है दिखाया है। उसके बाद हम जाएंगे इसका जो कॉलम है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो कॉलम हाईलाइट करने से पहले कॉलम का मार्क यहाँ पर करना है हमें ऐसे। देखिए ऐसे यहाँ पर हम एक रो वाइज कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे ऐसे इधर ऐसे और इधर ऐसे, इधर भी हमें कॉलम प्रोवाइड करना है, नहीं तो इसका क्रैक आ जाएगा। ठीक है ऐसे, तो कॉलम प्रोवाइड करने के बाद इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, और यहाँ पर जो वॉल 5 इंच वॉल। ओके, और यहाँ पर जो कॉलम 10 इंटू 12 इंच का कॉलम, इधर जो कॉलम 10 इंटू 12 इंच कॉलम। यहाँ पर जो मेन गेट यहाँ पर हमने 4 फीट प्रोवाइड किया है विथ, ठीक है, और यहाँ पर जो डोर 3 फीट वाइड, यहाँ पर जो विंडो हमने 2 फीट 6 इंच वाइड रखा है, इधर भी 2 फीट 6 इंच वाइड और इधर 4 फीट। ओके, ऐसे करके आप यहाँ पर प्लान वाइज बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इसका टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट यहाँ पर खर्चा जो आएगा यहाँ पर 10 लाख रुपीस आ जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।